आप मीर की वहशत को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? Divine possession? मीर की जिंदगी का अहम वाकया उसकी दीवानगी है। मीर पर यह वहशत चांद की कशिश में तारी होती है। Fetishism. फरमाते हैं मीर को चांद में परी पैकर की सूरत नजर आती है। जनाब मेरा सवाल यह है, मीर को चांद में नील आर्मस्ट्रांग क्यों नहीं नजर आया? जो इस वहशत से हमागोश हो जाता है, शायद उसे ही कहीं नादीद का दीदार हासिल होता है। मीर आपका दीवाना है, आपके एक एक मोए बदन पर हजारों दीवान लिख सकता है। रश्क और रकाबत की भी कोई हद होती है मीर साहब। है नाम मजलिसों में मेरा मीर बेदमा, अस-पस के कम दमागी ने पाया है इश्तिहार। हमारा तो है असली मुद्दा तू, खुदा जाने तेरा क्या मुद्दा है। लगता है तुझे इश्क हो गया, शीशा चकना चूर हो गया। आपका कॉलम अखबार के एडिटर ने बंद नहीं किया, वो मैंने करवाया। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे अखबार पर। I think you can't type without the back view mirror. It is dangerous. हम ये तो नहीं कहते कि गालिब कहता था या मीर कहता था, हम तो कहते हैं मीर कहता है। तुम वहशत को क्या समझते हो? चेक भला है।